दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे किचन में। और आज मैं बनाने वाला हूँ स्प्राउट सैलेड। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ बिरु रावत और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे किचन में। तो सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये अंकुरित स्प्राउट है, इसको हरा मूंग भी बोलते हैं। इसको हम एक बाउल में लेंगे, ये देख सकते हैं कितना फ्रेश है बिल्कुल। इसमें डालेंगे हम ये थोड़ा सा काजू, इतना काजू डालेंगे, और थोड़ा सा ये डालेंगे हम इसमें अब ये अंकुरोट अखरोट है, ये इसमें डालेंगे हम अब ये भुने हुए रोस्ट पीनट। इसमें डालेंगे ग्रीन पीस थोड़ा सा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ गाजर, तो देख सकते हैं इस क्यूब में काटे हुए मैंने। इसमें डालेंगे हम ये आधा मैंने टमाटर काटा हुआ है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये कटा हुआ आधा खीरा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे थोड़ा रोस्ट किए हुए मगज। तो ये सैलेड जो भी भाई लोग मेरे जिम जाते हैं या घर पे वर्कआउट करते हैं, भाई या बहन, उनके लिए सबसे अच्छा वेज सैलेड है ये। अगर आप बाज़ार से प्रोटीन नहीं खरीद सकते हो, या जो भाई नहीं खरीद सकता है, वो घर में आसानी से ये प्रोटीन वाला सैलेड बना सकता है। और बाजार के प्रोटीन के मुकाबले ये घर पे बहुत ही सस्ता बनेगा और बहुत हेल्दी भी रहेगा, तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और इसमें मैं यूज़ करूँगा पिंक सॉल्ट का। और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा हरिया धनिया, इसको अब आसानी से हम मिक्स कर लेंगे, आराम से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा बॉल छोटा हो गया है, तो हम इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, तो हम इसमें अब दूसरा बॉल ले लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो ज़रूर मुझे फॉलो करना और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। और ये स्प्राउट वाला रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत ही आसान है। जो भाई लोग भी घर पे व्यायाम करते हैं या वर्कआउट या जिम जाते हैं, तो वो ये सैलेड सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। और ये सैलेड अगर सुबह के नाश्ते में लेंगे आप, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और इसमें सभी प्रकार के अंकुरित अनाज मैंने डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे बाजार के प्रोटीन के मुकाबले ये वाला जो प्रोटीन सैलेड है, ये ज़्यादा बेहतर है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई करना।
और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।